गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति, मेजर मेंसुरेशंस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं नाइन्थ में त्रिभुज के क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ये सब चीजों में हमने ध्यान से देखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, समकोण त्रिभुज हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। और एक वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा था हमने, भुजा गुणा भुजा, वर्ग जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये सब उदाहरण अपने क्लासरूम में भी देख सकते हैं। आप जिस टेबल पर बैठे हैं वो टेबल एक आयत के आकार की होती है, कभी कभी ये टेबल आपके वर्गाकार भी होते हैं, वर्गाकार अर्थात जिनकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं। इन्हीं से आगे होते हुए हम देखते हैं साइकिल। साइकिल का पहिया पूरा गोल हमने देखा हुआ है, एक वृत्त के आकार का होता है। चूड़ी, ये भी आपकी एक वृत्त के आकार की होती है। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु आपके पास में रहे तो उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिभाषा भी हमने पहले पढ़ चुकी है कि कोई एक आपका निश्चित बिंदु रहे, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित यदि हमने 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से लेते हुए एक बनाया है आपके पास में, तो जितनी भी दूरी होगी आपकी त्रिज्या आर, ये सब दूरियां हमारे पास में आपस में बराबर होती है। सारी दूरियों को हम बराबर करते हुए यदि हम ये समुच्चय बनाए तो ये समुच्चय आपका वृत्त कहलाता है। वृत्त निश्चित बिंदु आपका केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु को हमेशा केंद्र कहते हैं तथा निश्चित दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। निश्चित दूरी त्रिज्या और निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त याद रखना हमें, त्रिज्या हमेशा आर होती है उसमें। यदि देखा जाए आपके पास में केंद्र से एक रेखा खींच दी जाए आपकी, तो ये जो त्रिज्या आपको दिख रही है, नाम यदि हम देते हैं इसको ए ओ बी, ओ आपका केंद्र है, O से लेकर A तक की दूरी या O से लेकर B तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की निश्चित दूरी है। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित आपके बिंदु हैं, तो दूरी आपकी ये R है। यदि त्रिज्या हमने R मान ली तो केंद्र से जो हमने रेखा खींची है वो आपका व्यास कहलाती है। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2R। व्यास को कभी कभी हम D से भी प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर आपका हो जाता है 2R। त्रिज्या और व्यास, अधिकतर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या उल्टा बोले तो हम त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहीं से निकाला जा सकता है आपकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो वृत्त एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। केंद्र निश्चित बिंदु कहलाता है और त्रिज्या निश्चित दूरी कहलाती है। व्यास वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है
व्रत के 2 बिंदुओं पर काट लिया आपकी, तो वह रेखा आपकी व्यास कहलाती है। व्यास दिख रहा है हमें, केंद्र से व्रत तक की दूरी आर्द्रित दूरी है आपके पास में, इसके दूसरी साइड भी आर्द्र दूरी होगी, अर्थात एबी जो आपका व्यास है, एबी व्यास आपका त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। जिस प्रकार हम एक रस्सी लेकर व्रत बना सकते हैं, यदि आपने एक 10 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी ली, इस रस्सी को आप गोल घुमा दें तो आपका व्रत बन जाता है, अर्थात ये व्रत की परिधि कहलाती है। व्रत की परिधि को खोल दिया जाए आपका, तो व्रत की परिधि आप सूत्र से लिख सकते हैं। एक धागे को लेकर व्रत का निर्माण किया जा सकता है। यदि हम एक धागे के सिरे को और दोनों सिरों को आपस में बांध दें और उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, तो हम उसमें व्रत का निर्धारण कर सकते हैं। व्रत, व्रत की परिधि, कोई भी आपके पास में धागा है, कोई भी आपके पास में रबर बैंड है, आप ध्यान से उसे देखकर आराम से व्रत को बना सकते हैं। व्रत की परिधि और व्यास में एक निश्चित संबंध होता है। जो भी आपके पास में व्रत दिया है उसकी आपको त्रिज्या पता होगी, जब त्रिज्या पता है आपको तो उसका व्यास भी मालूम होगा। हमेशा व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास और परिधि में एक निश्चित संबंध होता है जिसे ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई अक्षर आपका एक ग्रीक अक्षर है, ये पाई अक्षर आपका व्यास और परिधि से मिलकर बनता है, अर्थात पाई आपका परिधि बटे व्यास, ये एक सूत्र है आपका। पाई परिधि और व्यास के अनुपात को ग्रीक अक्षर पाई से दर्शाता है। पाई एक ग्रीक अक्षर है। यदि व्रत की त्रिज्या r है, त्रिज्या हमने लिया आपके पास में r, तो हम व्यास कह सकते हैं। अभी बताया था आपको त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। त्रिज्या आपकी r है तो व्यास हो जाएगा आपका 2r। यही से हम परिधि का सूत्र निकाल सकते हैं। पाई परिधि हमें अभी नहीं पता कि किस सूत्र से निकलेगी आपकी, व्यास हमने अभी रख दिया आपका 2r। तिर्यक गुणा किया जाए तो परिधि का सूत्र निकल आता है आपका, परिधि बराबर ये 2r का दूसरी तरफ गुणा कर दिया तो आ गया आपके पास में 2πr। ये एक सूत्र बन गया आपके पास में कि परिधि किसी भी व्रत की परिधि 2πr होती है। परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र हमारे पास मिल गया, पाई बराबर परिधि बटे व्यास। त्रिज्या यदि r है तो अभी बताया आपको व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, व्यास बराबर 2r लिख सकते हैं हम। सूत्र में हमने मान रखा तो परिधि का सूत्र हमारे पास में आ गया 2πr, अर्थात किसी भी व्रत में एक चक्कर में यदि हम दूरी चले तो वो परिधि के बराबर होती है। एक व्रत में चली गई दूरी हमेशा उसकी परिधि के बराबर होती है। हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पहिया घूमता है, अर्थात एक चक्कर में यदि एक पहिया घूम रहा है तो वो उसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। जब भी हम एक व्रत में घूमते हैं, किसी गोले में घूमते हैं, तो आप उसके में चली गई दूरी परिधि के बराबर निकाली जा सकती है। तो परिधि का सूत्र हो गया आपके पास में 2πr। व्रत की परिधि हो गई 2πr, r आपकी त्रिज्या है, पाई आपका ग्रीक अक्षर है। यहीं से हम व्रत का क्षेत्रफल भी याद कर सकते हैं।
एक व्रत है आपका, व्रत का केंद्र। यदि इस व्रत के केंद्र को हम छोटे छोटे भागों में बांट दें, यदि हम व्रत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, तो ये बांटने से हमारे पास में बहुत सारे त्रिभुज के आकार के व्रतखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम व्रत को छोटे छोटे चक्र के रूप में बांट लें और इन चक्रों को हम अलग अलग कर लें, इसे काटा ये भाग अलग हो गया, इसे काटा ये भाग अलग हो गया आपका, इसे काटा ये भाग अलग हो गया आपका, इस तरह से यदि हम काटते हुए व्रत के भागों को अलग कर लें, तो हमारे पास में बहुत सारे खंड मिल जाएंगे। यदि इन व्रत खंडों को हम कैंची से काट कर एक लाइन से रख दें, एक भाग हम लाइनिंग कर लें और दूसरा भाग आपका प्लेन रख दिया जाए, इस तरह से यदि इसे व्यवस्थित कर दिया जाए, तो हमारे पास में एक व्रत का चित्र प्राप्त हो जाता है। यदि एक भाग में हमने ये लाइनिंग वाले रख दिए थे, और दूसरे भाग में हमारे प्लेन, यदि व्रत को हम इस तरह से बांट दें, तो हमको ये एक आयत दिख रहा है। जो हमने काटा था ये त्रिज्या उसकी आर दिख रही है, और ये पूरा भाग हमारे पास में मिला के व्रत की परिधि थी। तो परिधि का एक भाग हमें लेना है आपके पास में, तो हमारे पास में यदि हम इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, ए से लेके बी तक की दूरी आपकी ये पाई आर होगी और सी से लेके डी तक की दूरी भी पाई आर। परिधि अभी पढ़ी थी हमने, क्योंकि व्रत को जब हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ा है, तो तोड़ने के पश्चात हमारे पास में एक आयत बन गया। इस आयत में हमको एक भुजा दिख रही है पाई आर, त्रिज्या दिख रही है आपकी आर। आयत का क्षेत्रफल पढ़ा है हमने, तो आयत के क्षेत्रफल से हमारे पास में सूत्र बन गया, व्रत का क्षेत्रफल बराबर ये जो दिया है आपका आयत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको दिख रही है पाई आर, चौड़ाई दिख रही है आपको पाई आर, सूत्र बन गया आपके पास में पाई आर स्क्वायर। तो व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र निकल आया हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। एक हमने व्रत था, व्रत को हमने छोटे छोटे भागों में बांटा। जब छोटे छोटे भागों में बांट कर जब हमने इसमें काट लिया, तो हमने इसमें आधे भाग में अलग कलर कर दिया और आधे भाग में अलग कलर। जब हम काट कर उसको एक अपोजिट डायरेक्शन में रखकर जब हमने इसको जोड़ा, तो हमको एक व्रत दिखाई दिया। व्रत से हमें बन गया आयत, आयत जिसमें लंबाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रही है। लंबाई आपकी परिधि थी, ये परिधि आपकी 2 पाई आर जो हमने पढ़ी थी, ये जो परिधि आपकी तोड़ी हुई थी, ये सब भाग हैं आपके, कोने वाले भाग ये दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर के भाग आपको दिख रहे हैं, और ये छोटे छोटे भागों में हमने काटा है, तो ये थोड़े से गोल गोल हमें दिखेंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा छोटे काटते हैं तो ये हमें एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। तो जो व्रत था, व्रत से हमने आयत बना दिया। जो व्रत का क्षेत्रफल था, वो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तित हो गया। तो व्रत का क्षेत्रफल आयत की क्षेत्रफल के बराबर हो गया। आयत की लंबाई हमको दिख रही है पाई आर, क्योंकि हमने व्रत को आधे भाग में तोड़ा और दूसरे आधे भाग को हमने आधे उसमें बांट दिया। ये पाई आर आपका 2 पाई आर परिधि पढ़ी है हमने अभी, अभी सूत्र पढ़ा था परिधि का 2 पाई आर। वही भाग को दो भागों में तोड़ा है हमने, तो दोनों का आधा आधा भाग हो गया आपका पाई आर, अर्थात आयत की लंबाई हो गई पाई आर,
चौड़ाई हो गई आपकी आर, वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया आपके पास में पाई आर स्क्वायर। दो सूत्र हमें यहाँ मिल गए आपके पास में, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इन्हीं दोनों सूत्रों पर अब हमारे सवाल रहेंगे, इन्हीं सवालों को हमें ध्यान से पढ़ना है। इन्हीं पर आधारित आपकी प्रश्नावली में सवाल दिए हुए हैं, ये दो सूत्र हैं, अभी इन्हीं दोनों सूत्रों पर हम सवाल करेंगे, इसके पश्चात इसी से आगे बढ़ेंगे तो और दूसरी चीजें हमें दिखाई देंगी। वहां हम पढ़ेंगे वृत्त का चाप, वृत्त की जीवा, चाप खंड की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इत्यादि। तो अभी हम शुरुआत आपकी करते हैं। आपके ही किताब में सवाल दिए हुए हैं, आपका उदाहरण का ही सवाल देखिए। जैसे एक साइकिल के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। साइकिल है, साइकिल का पहिया हमें मालूम है वृत्त के आकार का होगा, तुरंत हम एक वृत्त बनाए। जैसे ही हमने सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ने के पश्चात चित्र जरूर बनना चाहिए। एक साइकिल का पहिया दिया आपके पास में, पहिया है, पहिए का केंद्र मिल गया हमें। साइकिल के पहिए का व्यास दिया उसने 1.4 मीटर, पूरा काम मीटर में दिया हुआ हमारे पास में। 1.4 मीटर व्यास, अभी पढ़ा था व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो यहीं से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, व्यास बटे, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास आपका 1.4, त्रिज्या आपकी व्यास की आधी, तो त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाए। 1.4 में यदि 2 का भाग दिया जाए, 1 में नहीं जा सकता, सबसे पहले दशमलव लग गया आपका, 2 से भाग दिया, 2 × 7 = 14, तो त्रिज्या आ गई आपकी 0.7 मीटर। पहिया 1 मिनट में 100 चक्कर लगा लेता है, अर्थात 1 मिनट में पहिया 100 चक्कर लगा लेता है, तो बताइए 1 घंटे में साइकिल कितनी दूर जाएगी। अभी आपको बताया था कि यदि हम व्रत पर चलना शुरू करें तो एक व्रत में एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी परिधि के बराबर। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यदि आपने एक बिंदु से स्टार्ट किया चलना, चलते चलते आप वापस ए बिंदु पर पहुंच गए, तो चली गई दूरी आपकी एक चक्कर दूरी आपकी परिधि के बराबर होती है। यहाँ पर हमें मिल गया एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, ये हमें याद रखना है। एक चक्कर में चली गई दूरी हमेशा वृत्त की परिधि के बराबर होती है। दे रहा है हमको वो, एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, अर्थात एक मिनट में 100 चक्कर लगा रहा है वो, तो एक चक्कर में चली गई दूरी हमको पता है, तो एक मिनट में कितनी दूर जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी आपकी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र हमें पता है 2 पाई आर, यही से आपके पास में 2, पाई का मान हम पहले भी पढ़ चुके हैं 22/7 होता है, इसे याद भी रखा जा सकता है, पाई का मान एक निश्चित है, ये संख्या आपकी याद रखने योग्य है 22/7। त्रिज्या हमको दी 0.7 मीटर, इसे हम हल कर सकते हैं, 0.7 को बदला जा सकता है 22/7,
दशमलव सात में दशमलव का एक और अंक कितने हैं? एक अंक, तो अंक का आ गया आपके पास में जीरो। इसे हल किया जा सकता है, सात से सात कैंसिल हो सकता है, 22 में 2 का गुणा किया 44 बटे 10, या लिख सकते हैं इसको 4.4 मीटर। अर्थात एक चक्कर में चली गई दूरी आ गई 4.4 मीटर। अभी उसने बताया एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो एक घंटे में कितने चक्कर लगाएगा ये भी लिख सकते हैं हमारा उनसे। और एक घंटे में पहले पढ़ा हुआ है हमने 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो एक घंटे में वो 60 × 100 चक्कर लगा लेगा। और एक चक्कर में चली गई दूरी आपकी 4.4 मीटर है, तो हम आराम से दूरी तय कर सकते हैं। उसने दिया एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, और एक चक्कर में दूरी 4.4 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी 4.4 मीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं एक मिनट में तय दूरी 100 × 4.4 मीटर। एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है और एक चक्कर में तय दूरी आपकी अभी निकाली 4.4 मीटर, इसलिए एक मिनट में तय दूरी हो जाएगी 100 चक्कर में तय की गई दूरी, अर्थात 100 × 4.4, या इसे हल किया जाए आपका दिया जाएगा आपका 440 मीटर। एक मिनट में 440 मीटर की दूरी तय करता है। अब वो पूछ रहा है आपको एक घंटे में साइकिल कितनी दूरी तय करे, इसलिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। एक घंटे में अर्थात 60 मिनट में तय दूरी, एक मिनट में तय दूरी निकाली थी 440, इसी में गुणा कर दिया हमने 60 का, तो यहीं से हमारे पास में आंसर आ जाएगा आपके पास में। 2 जीरो दिख रहे हैं हमारे पास में, मात्रक मीटर दिख रहा है हमें, 6 से करा आपका 6 × 24, फिर 2 हासिल दी, 6 × 24 और 2 = 36, अर्थात 26,400 मीटर दूरी तय करेगा। एक एक चीज हम लिख कर आसानी से हल कर सकते। सवाल बस हमें ध्यान से पढ़ना है, सवाल को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हम आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। हमेशा याद हमें रखना है एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। जब एक चक्कर में दूरी तय करते हैं तो उसकी परिधि के बराबर दूरी तय होती है, उसी से हमने यहाँ पर सवाल को हल किया है। समझ में आया आप लोगों को ये सवाल? प्रश्नावली 11.1। प्रश्नावली 11.1 में आपके बहुत सारे सवाल हैं, इनमें बस चित्र आपका सही बने तो हम सवाल को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, एक 88 मीटर लंबा तार वर्ग के आकार का,
एक तार हो, तार को हम किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। तो तार आपके पास में दिया हुआ है 88 मीटर लंबा तार, अर्थात ये तार की लंबाई है। अब इसको जिस भाग में हम तोड़ेंगे उससे हमको समझ में आएगा कि हमारा क्या बन रहा है। सवाल नंबर तीसरा, अठासी मीटर लंबा तार, अठासी मीटर लंबा तार है आपके पास, ये तार की लंबाई आ गई आपकी 88 मीटर लंबा तार। इस 88 मीटर लंबे तार को वर्ग के आकार का है, वर्ग जिसकी सब भुजाएं बराबर होती है, एक वर्ग के आकार का 88 मीटर लंबा तार, अर्थात इसी तार को हमने जब तोड़ा तो वर्ग का जो परिमाप बना आपके पास में ए बी सी डी और वापस ए, ए से स्टार्ट किया वापस ए पर आए तो तार वर्ग के आकार का बन गया, अर्थात वर्ग की एक भुजा निकाली जा सकती है आपकी। वर्ग का परिमाप अर्थात चारों भुजाओं का योग, यदि हमने भुजा को a ले लिया आपके पास में तो 4a के बराबर होगा आपका परिमाप। परिमाप हमें दिया हुआ है 88 मीटर, तो यहीं से एक भुजा हमारे पास में निकल आई a बराबर 88 बटे 4, अर्थात 4 से भाग दिया 4 × 8, 4 × 8 अर्थात एक भुजा हो गई आपकी 22 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ है भुजा गुणा भुजा, अर्थात 22 × 22, दोनों में मात्रक है आपका, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, 22 का 22 में हम गुणा कर सकते हैं आपके पास में, 22 × 22, 2 से किया 2 × 2 = 4, फिर 2 से किया 2 × 2 = 4, इकाई में हमने क्रॉस लगाया, दहाई से शुरू किया 2 × 2 = 4, 2 × 4, दोनों को जोड़ दिया 4 × 8 = 4, अर्थात आ गया आपका 484, ये मीटर और मीटर का गुणा हुआ तो बन गया मीटर स्क्वायर। तो एक 88 मीटर लंबा तार था, तार को हमने वर्ग बनाया, वर्ग का रूप जब दिया तो वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग 88 के बराबर था, क्योंकि इसी तार से वर्ग बना था। परिमाप का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है 4 × a, a का मान हमें पास निकल गया 22 मीटर। जब 22 मीटर भुजा मिल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया भुजा गुणा भुजा, अर्थात 484 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब इसी को तोड़कर वृत्त बनाया, जब हमने तार को मोड़ा बन गया आपके पास में वृत्त, वृत्त का केंद्र आ गया आपके पास में। जब वृत्त बनाया तो तार से ही हमने स्टार्ट किया था, तार को हमने जॉइंट किया जोड़ा तो वो वृत्त बना, अर्थात वृत्त की परिधि भी है आपके पास में, यही वृत्त की परिधि हमारे पास में आ गई आपके पास में, वृत्त की परिधि
व्रत की परिधि अभी सूत्र पढ़ा था 2πr। यदि आपके पास में व्रत की त्रिज्या r हो तो व्रत की परिधि 2πr। व्रत की परिधि तार को तोड़कर बनी थी अर्थात 88 मीटर जो आपकी दी थी आपके पास में 2π का मान हमने पढ़ा है 22/7 या आपका मान r। यही से r का मान ज्ञात किया जा सकता है। तिर्यक गुणा जब करते हैं पहले से 88 लिखा है, भाग की संख्या सदैव गुणा में जाती है और गुणा की संख्या सदैव भाग में जाती है। ये नियम है आपका कि जब भी तिर्यक किया जाता है आपका तो गुणा की संख्या भाग में जाएगी और भाग की संख्या गुणा में। इसे हम हल कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा हमें आता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 22 का पहाड़ा दिख ही रहा है हमारे पास में, 22 एकम 22, 22 दुनी 44, अर्थात r का मान हो गया 7 दुनी 14 मीटर। यहीं से हम व्रत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। व्रत का क्षेत्रफल सूत्र अभी पढ़ा था, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अभी पढ़ा था 22/7, आर का मान आपका आया 14, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा कर दिया। मात्रक 2 बार आर में हुआ है, आएगा आपका वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक सदैव वर्ग मीटर में आता है। कर सकते हैं गुणा, 7 से 7 एकम 7, 7 दुनी 14। 22 में 2 का गुणा किया, 44 गुणा 14 वर्ग मीटर। इसे और हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपके पास में 88 मीटर लंबा तार था, तार को हमने वर्ग बनाया, वर्ग का परिमाप हमारे पास में मिल गया तो वर्ग की भुजा मिली। जब वर्ग की भुजा 22 मीटर मिल गई तो उससे हमें वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर मिल गया। अब इसी तार को तोड़कर हमने खोला और वृत्त के आकार का बना दिया। जब वृत्त का आकार दिया हमने तो परिधि थी आपके पास में, क्योंकि एक लंबा तार व्रत की परिधि के बराबर। तो जब परिधि को खुला तो व्रत से परिधि मिली 88 मीटर। यहां से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली r, r का मान मिला 14 मीटर। व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के सूत्र में पाई का मान रखा 22/7, r का मान रखा 14, दोनों का गुणा किया, आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। 44 में गुणा किया आपका 14 का, 4 से 4 चौक 16 हासिल दिए, 4 चौक 16 और 1 17, इकाई के नीचे हमने क्रॉस लगाया, 1 से 4 में किया 4, 1 से 4 में किया 4, 6 7 4 11, 5 4 5 616, ये मिला आपका 616 वर्ग मीटर। दोनों सूत्रों को हम ध्यान से देखो, हमने वर्ग बनाया था, वर्ग का क्षेत्रफल कम दिख रहा है 484 मीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है 616 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों का अनुपात आसानी से निकाला जा सकता है। इतनी बात समझ में आई अच्छे से? एक वृत्त था, तार दिया था, तार से पहले आपको वर्ग बनाया, वर्ग जब बना आपके पास में उसके बाद हमने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर उसे ही तोड़कर हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त वृत्त से परिधि मिली हमें, परिधि से हमने उसका त्रिज्या ज्ञात करी,
त्रिज्या से हमने उसका क्षेत्रफल मिल गया। क्षेत्रफल से फिर हमने सूत्र से मान के आदेश कर दिया। दोनों का हमें अनुपात निकालना है तो हम दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है और वर्ग का क्षेत्रफल कम है। वृत्त बड़ा बन गया था और वर्ग थोड़ा सा छोटा बना है। दोनों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। एक और इसका आगे चौथा सवाल, एक व्रत का क्षेत्रफल दूसरे व्रत के क्षेत्रफल का 100 गुना है, दोनों की परिधि का अनुपात क्या होगा? एक व्रत का क्षेत्रफल दूसरे व्रत के क्षेत्रफल का 100 गुना है। नाम से ही हम देखें, एक व्रत छोटा है तो दूसरा व्रत बड़ा है। एक व्रत का क्षेत्रफल, एक व्रत बनाया हमने, इसकी त्रिज्या हमने मान ली बड़ा व्रत है तो त्रिज्या मान ली कैपिटल आर, और एक व्रत हमने छोटा बना लिया इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। व्रत बड़ा है, क्षेत्रफल उसका छोटे व्रत के क्षेत्रफल का 100 गुना लिखा मैं पद दिया है। बड़े व्रत का क्षेत्रफल बराबर 100 गुना छोटे व्रत का क्षेत्रफल। यहीं से हम उनकी त्रिज्याएं याद कर सकते हैं। बड़े व्रत का क्षेत्रफल सूत्र पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह कैपिटल आर आ गया। दूसरा आपके पास में 100 गुना छोटे व्रत का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल किया जा सकता है, आर स्क्वायर बराबर 100 गुना स्मॉल आर स्क्वायर। वर्गमूल ले लें हम, वर्गमूल लेने पर कैपिटल आर बराबर 100 का वर्गमूल आपका 10 आर, या कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर 10/1 लिखा जा सकता है। कि उनकी त्रिज्याओं में भी अनुपात है, अब हमें परिधि का अनुपात निकालना है। बड़े वृत्त की परिधि बटे छोटे व्रत की परिधि, परिधि का सूत्र पढ़ा था 2π, पहले व्रत की परिधि में कैपिटल आर डाल दिया, दूसरे व्रत की परिधि में स्मॉल आर डाल दिया। 2π से 2π दोनों तरफ कैंसिल किया जा सकता है, लिखा जा सकता है आर बटे स्मॉल आर। अभी मान निकाला था आर बटे स्मॉल आर था आपका 10/1, अर्थात बड़े व्रत की परिधि और छोटे व्रत की परिधि का अनुपात 10:1 है। सूत्र में मान रखना है और ध्यान से हमको सवालों को हल करना है। एक दिया था आपके पास में, उसने व्रत पहले बड़ा व्रत और एक छोटा व्रत, उसने बोला एक व्रत का क्षेत्रफल दूसरे व्रत के क्षेत्रफल का 100 गुना है, अर्थात एक व्रत बड़ा है और दूसरा व्रत छोटा। बड़े व्रत का क्षेत्रफल छोटे व्रत के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो बड़े व्रत में डाला हमने पाई आर स्क्वायर, छोटे व्रत में डाला हमने स्मॉल आर। यहाँ से हमारे पास में कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान निकल गया आर 10/1, अनुपात निकल गया हमारे पास। फिर उसने कहा बड़े व्रत की परिधि और छोटे व्रत की परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बड़े व्रत की परिधि 2πr, छोटे व्रत की परिधि स्मॉल में 2πr, 2π से 2π कैंसिल हो गया, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का मान हमें मिल गया 10/1।
केवल सवाल को ध्यान से देखें हम, तो ये सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये सवाल जितने हम पढ़ेंगे उतने ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब इन्हीं में आगे बढ़ते हुए व्रत से संबंधित और परिभाषाएं हैं हमारे पास में। एक व्रत आपकी भी रहती है तो व्रत के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, एबी। एबी आपकी व्रत के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा। जीवा यही जीवा से आपके पास में व्रत के चाप की लंबाई आ जाती है। तो ये छोटा सा भाग हमें दिख रहा है ये व्रत का छोटा चाप है, एक चाप है आपका दीर्घ चाप, ये हो गया आपका लघु चाप, ये हो गया आपका दीर्घ चाप। इस चाप की लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाप में अब भी हमने पढ़ा था व्रत की परिधि, व्रत की परिधि आपकी 2πr, पूरी परिधि आपकी 2πr हमको जब दी हुई है तो एकांक कोण पर हम बनने वाली चाप निकाल सकते हैं, अर्थात व्रत पर बनने वाला कोण, व्रत का कोण होता है आपका 360 डिग्री। यदि आप एक लाइन से शुरू करें, यदि हमने कोण बनाना शुरू किया है तो इसमें एक चक्कर जब घूम लिया जाएगा तो उसमें 360 डिग्री कोण घूम जाते हैं। तो व्रत में एक पूरा चक्कर जब लगता है या व्रत के केंद्र पर बनने वाला कोण होता है 360 डिग्री। तो यहीं से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, चाप एबी की लंबाई। चाप एबी की लंबाई का सूत्र हो जाता है आपका, परिधि है आपकी 2πr बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। तो इस सूत्र से हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चाप को देखने के लिए हमने इसको मिला दिया आपके पास में तो एक त्रिभुज का आकार बन जाता है। जब त्रिभुज का आकार आपके पास में बन गया तो चाप एबी की लंबाई हम ज्ञात की जा सकती है। ये कोण यदि आपके पास में थीटा दिया हुआ है, चाप के दोनों भुजाओं के द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण थीटा है तो चाप एबी की लंबाई 2πr बटे 360 गुणा थीटा। यही से त्रिज्या खंड भी मिल रहा है आपके पास में। त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, पूरे व्रत का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर, एक डिग्री पे बनने वाला क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर गुणा बटे 360 और थीटा पे बनने वाला हो गया आपके पास में पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। तो चाप की लंबाई ज्ञात की जा सकती है आपकी और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। चाप आपकी दी हुई है एबी, एबी चाप की लंबाई का सूत्र हो गया आपका 2πr बटे 360 गुणा थीटा। थीटा चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण है और त्रिज्या खंड ए ओ बी,
पूरे एओबी का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। यही से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 11.2। 11.2 प्रश्नावली में सवाल दिए हैं आपके, सवालों को इन्हीं सूत्रों पर हमें हल करना है। पहला सवाल, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि केंद्रीय कोण और त्रिज्या निम्न अनुसार। पहला सवाल हम देखें आपके पास में, तो केंद्रीय कोण थीटा का मान दे रहा है आपके पास में 60 डिग्री और त्रिज्या दे रहा है आपको r बराबर 6 सेंटीमीटर। सूत्र हमारे पास में है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी सूत्र पढ़ा, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई में परिधि आएगी आपकी 2 पाई r बटे 360 गुणा थीटा। मान रख दिया हमने, 2 पाई का मान अभी पढ़ा था 22/7, r का मान दे रहा है 6 गुणा 360 गुणा 60। कैंसिल कर सकते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 6 36, फिर 6 से 6 कैंसिल हुआ, चाप की लंबाई हो गई आपकी 44/7 सेंटीमीटर। केवल सूत्र में मान रखना है, सूत्र रखा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपका 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा। 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया था 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया था 60 डिग्री। केवल हल करना है, हल करने में आपका मान मिल गया 44/7 सेंटीमीटर। और है इसमें सवाल आपके, तीसरा सवाल, बाकी दो सवालों को तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, ये समझ में आया आप लोगों को? दो सूत्र हमें मिल रहे हैं, चाप की लंबाई का सूत्र और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। चाप की लंबाई में याद रखना है परिधि आएगी 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। तो आपको केवल सूत्र को देखें और मान रखें। अब सवाल नंबर तीसरा देखिए, 11.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरे को हम ध्यान दें, पहले ये आपका सवाल देख लीजिए। केंद्रीय कोण दिया था, पहला सवाल है आपका 11.2 प्रश्नावली का, ये कोण दिया था 60 डिग्री, त्रिज्या दी थी 6 सेंटीमीटर। उसने पूछा चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई के लिए सूत्र लगाया हमने 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा। केवल मान रख दिया 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 बटे 360 गुणा 60, कैंसिल कर दिया, आंसर निकला आपका 44/7 सेंटीमीटर।
किसी ने एक सवाल और दिया है। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/5 है। त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। दिया है उसने वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/5 वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/5 भाग है। सवाल तीसरा है आपका, सूत्र रख दिया। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था अभी, पाई आर स्क्वायर 360 गुणा थीटा बराबर 1/5 वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमें निकालना है। जब थीटा का मान निकालना है, पहले से लिखा है 1/5 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर उठ के नीचे गया आपका पाई आर स्क्वायर और गुणा 360। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 से भाग दे दिया हमने, थीटा बराबर 5 से 5 सते 35 बचा 1, 5 दूनी 10, थीटा का मान आ गया आपका 72 डिग्री। सवाल नंबर तीसरा है आपका कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल का 1/5 भाग है। सूत्र लगाया और मान निकाल दिया। अब इतना आपको समझाया है, इस चीज का एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है और निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है और किसी भी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जा सकता है तो तार की लंबाई उसकी परिधि के बराबर होती है। एक सूत्र और पढ़ा था हमने, परिधि पाई, पाई बराबर परिधि बटे व्यास और यहीं से परिधि का सूत्र निकला था 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र निकला था पाई आर स्क्वायर। इन्हीं पर हमने सवाल हल किए थे आज। इनमें जितना आपको बतलाया, कल फिर से इसका रिवीजन होगा और आगे की पढ़ाई इसी पर आधारित होगी आपकी। आपको कुछ पूछना है तो कल लेकर आइएगा और वो सवाल हमसे पूछ लीजिएगा।